कुल तो हम जिस रोड का अपडेट इससे पहले मुजफ्फरपुर में दिखाए थे कि जहां स्थिति बहुत खराब थी, सामने देख लीजिए, उसका काम हमारे वीडियो दिखाने के बाद शुरू हो गया। इस रोड के दोनों ही तरफ नाली का निर्माण करवाया गया, वहीं जो गड्ढे थे उसको फिल कर दिया गया और यहां पिचिंग की तैयारी हो रही है। बड़ा ही सुकून भरा पल होता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए कि आपके खबर का ऐसा असर हो कि खबर आप दिखाएं और उसके एक सप्ताह के अंदर उस पर संज्ञान लिया जाए और उस रोड का काम शुरू हो जाए। और अभी देखिए लगभग एक से डेढ़ महीना होने वाला होगा उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, वहां से आप उसको देख पाएंगे कि वो कौन सा वीडियो था। लेकिन आज देखिए एक बड़ा सुकून लग रहा है मुझे कि हमने उस वीडियो को दिखाया और आज इस रोड का काम जो है फाइनल स्टेज में है। कहीं में भी इसमें देखिए गड्ढा नहीं दिख रहा है, पैचेस दे करके ऊपर कंक्रीट दे करके लेवल कर दिया गया इस रोड को, कहीं भी आपको झटका नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे हिचकोले खाती थी गाड़ियां, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पता ही नहीं चलता रोड में जा रहे थे कि खेत में जा रहे हैं, ऐसा रोड था यहाँ पर। आपको हम बता दें कि मुजफ्फरपुर का ये 4 लेन से, जब आप रामदयालु के बीच में जो रोड की स्थिति खराब थी वहां के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था उसका वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी का अपडेट मैं बना रहा हूँ कि मेरे खबर के बाद जो असर हुआ है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। खबर देने के लगभग एक से सप्ताह से 10 दिन के बाद इस पर संज्ञान लिया गया था, इसका वर्क ऑर्डर पास हुआ और इस पर काम शुरू हुआ। उसके बाद देखिए अभी तक में दोनों ही तरफ जो है ना नाली बन गया है, इस पर पैचेस डाल दिए गए यानी गड्ढों को फिल कर दिया गया, एक लेवल का कंक्रीट कंप्लीट हो गया है, अब इसके ऊपर फाइनल लेयर की कंक्रीटिंग करके इस पर पिचिंग होना बाकी है। तो कुल मिलाकर के आप कहिए तो हमारे खबर का जोरदार असर, और मैं कहता हूं कि परिवहन विभाग के उन लोगों को, तमाम लोगों को जो मेरा वीडियो देखने के बाद इस पर संज्ञान लिए हैं, उसको हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने संज्ञान लिया है। लेकिन सर मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा मौका क्यों देते हैं हम लोगों को निगेटिव वीडियो बनाना पड़े, कम से कम रोड को चलने लायक रहने दिया कीजिए। ये जो सामने होटल अतिथि है ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी का है या उनके उनके किसी रिश्तेदार का होगा, लेकिन मैं तो यही जानता हूं उनका ही है। आगे मारुति का शोरूम है। अब देखिए यहां पर भी 2 लेन रोड था, अभी देखिए चौड़ीकरण होकर के 4 लेन होने वाला है, ये वहां तक रोड बनने वाला है जहां तक कि नाली आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्षों से अटका हुआ काम, जबकि दुकान देखिए पहले से कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया, रास्ता पहले से यहां तक खाली था लेकिन रोड नहीं बना था। आज जब खबर दिखाया गया कि यह स्थिति है, आगे चुनाव है तो इस पर संज्ञान लिया गया, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे वीडियो के बाद यह सर इस बात को माना और इसको जरूरत समझा कि आम लोगों के लिए यहां पर काम होना जरूरी है, और उसका वर्क ऑर्डर हुआ और यह आज यहां काम होते हुए दिखाई दे रहा है। उन लोगों को भी बड़ा सुकून लग रहा होगा जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं, कृष्णा जी आपको अलग अलग तरह से पैन करके वीडियोज दिखा रहे हैं। हम लोग पूर्णिया जाने के क्रम में हैं और अभी कुछ दिनों का हम लोगों का वहाँ प्रवास है पूर्णिया में, लगातार हमारी कंपनी वहाँ पूर्णिया जिला में इलेक्शन कैंपेनिंग देखेगी, तो पूर्णिया के यात्रा पर है। इस दौरान हम आपके लिए अपडेट्स जो भी हमें दिख रहा है वो हम दिखाते जा रहे हैं। और ये जो आर्या रिसोर्ट है इसके ठीक बाद मारुति का शोरूम है, तो आपको बता दें कि वो भी सुरेश शर्मा जी का ही है, नगर विकास मंत्री है सुरेश शर्मा जी। तो पिछले बार मैंने वीडियो में चर्चा भी किया था कि सुरेश शर्मा जी का 2-3 यहाँ जो है शोरूम है, एक होटल है, ऐसे में और यहाँ उनके इन प्रतिष्ठानों के आगे जो है रोड की स्थिति बहुत खराब है। और अभी भी देखिए जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ की स्थिति देख लीजिए आप, रोड का कितना स्लो ट्रैफिक है यहाँ पर और किस स्थिति में ट्रैवल हो रहा है। ये मारुति सुजुकी शोरूम उन्हीं का है, मेरी गाड़ी भी इन्हीं के यहाँ से खरीदा गया है, हमने भी इन्हीं के शोरूम से गाड़ी खरीदा है जब हम यहाँ थे मुजफ्फरपुर में, पिछले साल हम हाजीपुर शिफ्ट हुए तो हमारी गाड़ी भी यहीं खरीदी गई थी। उस समय इनका शोरूम जो है मेन मोती झील के एरिया में बना हुआ था, तो उसके बाद यह हाईवे पर शिफ्ट हो गया। और अभी भी जो स्थिति है इस एरिया में रोड की स्थिति वैसी ही है क्योंकि इधर में कंक्रीटिंग का काम नहीं हुआ है। लेकिन जो अपडेट मैं आपको बताने के लिए आपके साथ जुड़ा था वो अपडेट यही है कि हमारे खबर का असर, और असर के बाद देखिए काम जो शुरू हुआ है
उसको हम दिखाने के लिए आपके साथ जुड़े थे। फिलहाल ये सामने राम दयालु का ओवरब्रिज है और ये राम दयालु की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं हाजीपुर की तरफ से। रोड की जो स्थिति है अभी भी इस जगह पर जहां पर मैं हूं स्थिति खराब है, लेकिन पीछे से काम शुरू हो गया है। आपको कृष्णा जी ने पैन करके उधर दिखाया भी था कि रोड में काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नाली भी बन रहा है, दोनों ही तरफ सड़क के दोनों तरफ नाली बनाया जा रहा है और रोड का भी निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे होंगे बड़ा राहत महसूस किए होंगे। जल्दी आप अगर हाजीपुर की तरफ से यानी पटना की तरफ से मुजफ्फरपुर शहर में एंट्री करेंगे तो आपको जो रामदयालु के पास जाम से दो चार होना पड़ता था उससे निजात मिल जाएगा आने वाले एक दो महीने के अंदर। जिस स्थिति से काम हो रहा है, जिस रफ्तार से काम हो रहा है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को शेयर भी करें इसे, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। सामने रामदयालु फ्लाईओवर।